विधानसभा चुनाव खत्म होते ही अवैध कारोबार करने वाले लोग अब एक्टिव हो चुके हैं। इसके तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उड़ीसा से गांजा लेकर भिलाई में बेचने आए आरोपी को गांजे के सहित गिरफ्तार किया है। जिले में नशे के अवैध सौदागरों के खिलाफ मुहिम चलाने हेतु नशे के सौदागरों की पतासाजी कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके बाद एंटी क्राइम साइबर यूनिट प्रभारी निरीक्षक नरेश पटेल व संतोष मिश्रा, थाना प्रभारी सुपेला दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में ACCU व थाना सुपेला की एक संयुक्त टीम गठित कर टीम को कार्रवाई हेतु लगाया गया था। टीम द्वारा नशे के कारोबारियों पर सतत निगरानी रखी जा रही थी, साथ ही विशेष सूत्र भी लगाए गए थे। जेल से रिहा हुए पूर्व के आदतन नशे के कारोबारी पर निगाह रखी जा रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम को विशेष सूत्रों से पता चला कि संजय नगर मैदान के पास एक व्यक्ति काले रंग के पिट्ठू बैग में मादक पदार्थ गांजा अवैध रूप से लाभ अर्जित करने हेतु ग्राहक का इंतजार कर रहा है, जिसकी सूचना पर टीम द्वारा घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को पकड़ा गया। उक्त व्यक्ति से पूछताछ में अपना नाम विनोद मेहर, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम सीनापाड़ी नुआपाड़ा उड़ीसा बताया। आरोपी के पास से 4 किलोग्राम अवैध मनोत्तेजक मादक पदार्थ गांजा जुमला तकरीबन कीमत 38,000 रुपए का बरामद कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। कल देर शाम की घटना है। देर शाम को कल पुलिस को सूचना मिली, पुलिस टीम को सूचना मिली कि संजय नगर मैदान के आसपास में एक व्यक्ति है जो बाहरी प्रतीत होता है और अपने पिट्ठू बैग में बैग रखा, पिट्ठू बैग रखा हुआ है जिसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ है, जिसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। कि सूचना पर पुलिस के द्वारा एक टीम बनाई गई, टीम मौके पर जाकर रेड की। रेड करने पर उस व्यक्ति ने से पूछताछ पे उसने अपना नाम विनोद मेहर, निवासी नुआपाड़ा उड़ीसा का होना बताया। जब बैग की तलाशी ली गई तो तलाशी के दौरान पे उसके बैग से एक प्लास्टिक के पैकिंग में लपटा हुआ अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ, जिसको विधिवत वेट कराने पर उसका जो वजन है वो 4 किलो के आसपास, जो कि कुल 38,000 रुपये की कीमती के आसपास आकलन किया जाता है, बरामद हुआ। विधिवत NDPS के प्रावधानों का पालन करते हुए आरोपी विनोद मेहर के विरुद्ध में कार्रवाई की गई है और धारा 20B NDPS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यहाँ किसको बेचने आया था ये? इसके संबंध में पुलिस विवेचना कर रही है और विवेचना के उपरांत पे जैसा भी होगा आगे कार्रवाई होगी। भले ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं, परंतु दुर्ग पुलिस अभी भी नशे के व्यापारियों पर तीखी नजर बनाए हुए है और मुखबिरों से मिली सूचना पर तत्काल कार्रवाई भी कर रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।